दोस्तों, मैं कल रुक गया था महतली में क्योंकि तूफान आया था, बारिश हुई थी, तो तूफान आते रहते हैं और बाइक हो गई थी बहुत गंदी, कीचड़ और प्लस तूफान की धूल मिट्टी से गाड़ी हुई थी गंदी। यह आकृति ऑटो सेंटर, यहाँ पे मेरे को वॉशिंग दिखी महतली, तो मैं यहाँ रुक गया था। तो स्टे करने के बाद आज सुबह मैंने यहाँ पर बाइक वॉश करवा रहा हूँ और बाइक बहुत अच्छे से वॉश कर रहे हैं भाई, 70 रुपये चार्जेस है फॉर्म वॉश के। और फिर अब हम यहाँ से आगे की तरफ चलेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आप मेरे चैनल में नए तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लें चैनल को। और बाकी अभी आपको मैं दिखाता हूँ कि हम कैसे कैसे आए थे इस रास्ते की पूरी वीडियो, बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। स्वागत है आपका मेरे चैनल R15 डीप राइडर में। दोस्तों बहुत लंबी जर्नी थी, बहुत लंबा सफ़र है, बहुत ठंडा भी है गर्म भी है, आप देख सकते हो। अभी एक्चुअली मैं अपने ट्राईपॉड के थ्रू शूट कर रहा था, मैंने कहा चलो थोड़ा सा ट्राईपॉड से लिया जाए पीछे का एरिया। मैं उत्तरकाशी के लिए निकला हूँ, अभी सुबह के हो रहे हैं 10:30 बज रहे हैं, पर आपको धूप देख के लग रहा होगा कि दोपहर का टाइम है, बट नहीं सुबह का टाइम है, क्योंकि यहाँ जो सुबह सुबह की धूप होती है बहुत तेज होती है, कड़क होती है, तो ऐसा लगता है कि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है। मेरे को भी पहले यही लगा था जैसे आप देख के लग रहा होगा, पर नहीं, सुबह 10:30 बजे का टाइम है और मैं ऑन टाइम चल रहा हूँ। काफ़ी अच्छा रास्ता है, काफ़ी अच्छी सड़कें हैं, और हाँ मैं इसलिए यहाँ पर सेल्फी स्टिक का यूज़ कर पा रहा हूँ। एक्चुअली गोरिल्ला है, गोरिल्ला ट्राइपॉड में मैंने अपना मोबाइल माउंट करा हुआ है और उससे मैं ये शूट कर रहा हूँ, और सोचा थोड़ी दो बातें भी हो जाएंगी। और आप देख ही सकते हो जैकेट वैकेट और बैग मेरा सब प्रिपेयर है बाइक में, पीछे मैंने अपना बैग कैरियर करा हुआ है और चल रहा हूँ सफ़र में। और काफ़ी सुंदर है, ठंडा काफ़ी है, हाँ थोड़ा धूप की वजह से गर्म लग रहा है, पर नहीं, बाइक में चलते समय हवा काफ़ी तेज़ है जो कि ठंडी हवा है, और बहुत सुहाना सफ़र है, कसम से मज़ा आ गया। उत्तरकाशी ये वो रोड है, जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस रोड पे आप जा सकते हैं गंगोत्री, ठीक है, उत्तरकाशी, उत्तरकाशी से थोड़ा सा महतली है, पहले महतली फिर उत्तरकाशी, और डुंडा है, डुबाटा है, और काफ़ी इसमें ऐसे जगह आने वाली है। एक्चुअली मेरे को पूरा पूरा नाम तो नहीं पता है, और पर हाँ काफ़ी सुंदर है सफ़र। और पहली बात, मेरे को यहाँ की सड़कें ज़्यादा अच्छी लगी हैं, देख लीजिए आप, देख सकते हो काफ़ी अच्छा है। मैं रुका हूँ यहाँ पर, थोड़ा गर्मी थी तो मैं छाए पर रुका, और ठीक है, अच्छा है, काफ़ी कुछ हद तक देख सकते हो पहाड़ी, आप देख सकते हो काफ़ी रोक रोक के मैंने वीडियो बनाई है, काफ़ी कट पड़े हैं आप देख सकते हो, क्योंकि मानना पड़ता है क्योंकि बहुत लंबी वीडियो है, ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसको मैंने फिर भी 13 मिनट तक लाने की कोशिश करी है काफ़ी। पर जो ये वादियाँ हैं ना, ये देखने का मज़ा आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये वादियाँ दिल खुश कर देती है। पत्थर देखो कैसे, एक्चुअली ना इन सड़कों पर ना कटाई हुई है काफ़ी ज़्यादा, कह सकते हैं कि सड़कें चौड़ी की जा रही हैं, तो उस वजह से काफ़ी पत्थर काट दिए हैं, पर ये पत्थर बहुत नुकीले और सुंदर हैं देखने में, एकदम दिल वो हो जाता है इनको देख के, खुश हो जाता है। और देख ही सकते हो कितना अच्छा रोड भी काफ़ी सही है, एकदम प्लेन रोड है, ना बोल सकते हैं कि ना चढ़ाई है ना उतराई है, समतल रोड है, सीधी रोड है। वादियाँ देखो, हरियाली भी सही है, मस्त ठंडा मज़ा आ रहा है, जैसे छाए में गाड़ी है इस वक्त तो ठंडी हवा ज़्यादा तेज़ लगती है, और जैसे धूप में आती है तो मिक्स हो जाती है, तो गर्म ठंडी लगती है, पर वो ठंडी ही फील होती है, पर कम ठंडी फील होती है। और देखो ऊपर तक मैं देख नहीं पा रहा हूँ क्योंकि बहुत ऊँची चट्टानें हैं ये काफ़ी, हाँ रास्ते में थोड़ा बहुत उबड़ खाबड़ है। और ये देखिए कैसा कैसा व्यू है, व्यू देखिए आप, व्यू क्या गजब सॉलिड व्यू है, मेरा दिल खुश हो गया इस रास्ते पे आके। उत्तरकाशी हाँ थोड़ा दूर है, इसके लिए आपको चंबा, चंबा से एक सड़क कटती है, नई सड़क है ये, ऊपर की तरफ से है,
और काफ़ी अच्छा है। इसमें से आप जा सकते हैं गंगोत्री भी और हरसिल। हरसिल बहुत सुंदर जगह है, यहाँ से ज़्यादा नहीं होगा, कम से कम अराउंड 120 या 130 किलोमीटर होगा। और अभी हम जा रहे हैं उत्तरकाशी, उत्तरकाशी जा रहे हैं। उत्तरकाशी में वहाँ पे शिव भगवान का एक बहुत अच्छा मंदिर है, विश्वनाथ मंदिर, बहुत फेमस है, बहुत सुंदर है। वहाँ की ब्यूटी कुछ अलग है, और वादियाँ तो आप देख ही सकते हो, क्या ही कहने इनके, क्या ही कहने। क्योंकि उत्तराखंड बहुत अच्छा, अब काफ़ी अच्छी सड़कें हो गई हैं, पहले से लाख गुना बेहतर सड़कें हैं। आप पैचिस देख सकते हो, पर पैचिस पे मत जाइए, सड़क एकदम स्मूथ है, एकदम स्मूथ, पता ही नहीं चलता कि कोई पैच है कि नहीं है, क्योंकि उबड़ खाबड़ जो सड़क होती है ना, जो वो नहीं है, गाड़ी एकदम स्मूथली चलती है सड़क में। और कहीं कहीं पर ये पत्थर गिरते रहते हैं, अभी एक पत्थर आया है, वो ऊपर से ऐसे होता रहता है, तो थोड़ा सा मैं इसलिए साइड में चल रहा हूँ बाहर की तरफ, ताकि डर भी लगता है, पर मेरे हेलमेट पहना हुआ है, पर फिर भी डर लगता है इन पत्थरों से, क्योंकि धूप तेज होने के कारण मिट्टी भुरभुरी हो जाती है, और कोई भी छोटा मोटा पत्थर या कभी कभी बड़े पत्थर भी गिर जाते हैं, तो काफ़ी है, डर तो होता है, पर कोई बात नहीं। पर इन वादियों के मज़े लेने के लिए तो इतना तो बनता है। काफ़ी यूनिक तरीके से यहाँ घर बने हैं, आप देख सकते हो, ये देखिए कितना प्यार रास्ता निकला है ऊपर की तरफ, कहीं जा रहा होगा ये। सड़क के तो क्या ही कहने, और वादियों के मज़े, हरियाली कितनी घनी है, देखिए आप कितनी मन नहीं करता है यहाँ से जाने का। अब जैसे जैसे पहाड़ियों के और आगे बढ़ रहे हैं, तो और नई पहाड़ियाँ दिख रही हैं, फिर उनके उनको पार कर लो, फिर उनके आगे और नई पहाड़ियाँ, मतलब ख़त्म ही नहीं होते पहाड़। और पहाड़ों में जिस तरीके से घर बने हैं ना, बहुत ही एक, हाँ ये देखिए नीचे नदी दिख रही है, भागीरथी है ये भागीरथी आ रही है, देख सकते हैं, मैंने स्लो की है, नहीं दिखेगी आगे से, दिख जाएगी तो क्या पता, पर ये देखिए फिर से ट्राई करते हैं। पेड़ आ रहे हैं ना, थोड़ी तो झाड़ियाँ आ जा रही है, वो देखिए नीचे दिख रहा है आपको, आपको दिख रहा होगा, ये भागीरथी नदी है, ये यहाँ से उत्तरकाशी से होते हुए आती है और ये जाएगी देवप्रयाग। देवप्रयाग में जाके दो नदियों का संगम है, अलकनंदा और भागीरथी। वहाँ पर एक तरह से कह सकते हैं गंगा, गंगा बनती है, फिर ये वहाँ से गंगा का वो होता है। वाह यार क्या गजब चीज़ है यार, क्या जीने बना रखे हैं ऊपर जाने के लिए, गांव के रास्ते होंगे ये जो सीढ़ियाँ बना रखी हैं, कटे हुए रास्ते, बहुत सुंदर है। गंगा वहीं से निकलती है देवप्रयाग से। तो कुछ दिखा है क्या? हाँ देखिए दोस्तों, वहाँ पे मेरे को कुछ दिखा था तो मैं रुक गया था। एक्चुअली ये भी जो आप देख रहे हो, मैं थोड़ा सा आगे आया हूँ क्योंकि वहाँ मेरे को पानी दिखा था एक्चुअली, तो पानी के लिए रुका था मैं, थोड़ा मुँह हाथ धोया है मैंने और आगे बढ़ा हूँ। तो ये देखिए आप ऊपर देख सकते हो गंगोत्री, हरसिल और उत्तरकाशी और मातली, बोर्ड लगा था, तो उस बोर्ड में अब 90 किलोमीटर रह गया है, मैं काफ़ी आगे निकल चुका हूँ यहाँ से। 90 किलोमीटर हरसिल है, गंगोत्री और ज़्यादा है, बाकी मैंने ज़्यादातर देखा है नमामि गंगे हर जगह प्रिंट हो रखा है, यानी कोई उत्तराखंड में कोई योजना होगी नमामि गंगे, उसी के काफ़ी मैं ये पोस्टर देख रहा हूँ। पेट्रोल पंप भी है यहाँ पे, वाह क्या सुंदर घर है यार, ये एकदम लोकेशन पे बनाया है, बहुत सही घर दिख रहा था, मन कर रहा था इसी घर में रह लूँ, काश मेरा होता। अरे वहाँ धुआं उठ रहा है, आग आग लगी है क्या? वैसे मैंने जनरली देखा नहीं है कहीं आग वाग का, पर
वहाँ धुआं दिख रहा है, तो देखो कैसे धुआं दूर से ही नज़र आ जाता है। यही है वादियों का एक मज़ा ही कुछ और है। वादियों में हर चीज़ इतनी प्योर, इतनी क्लियर होती है, एकदम विज़न जिसे कहते हैं ना, प्योर HD विज़न रहता है, माइंड ब्लोइंग है, बहुत मज़ा आ गया। गाड़ियाँ भी एकदम लद के चल रही, ये गधे थे, दो गधे अपनी मस्ती में चल रहे थे। बहुत मज़ा आ रहा है। आओ यार आप कभी, तुम लोग भी आओ घूमो उत्तरकाशी, उत्तराखंड दिल खुश कर देता है। और ये तो एक सोलो राइड है यार, मैं एक्चुअली सोलो चलाऊँ शायद से, मैं डुंडा पहुँच रहा हूँ, ये डुंडा है, मैं सही समझ रहा हूँ, तो ये डुंडा आ गया। डुंडा की मार्केट है, काफ़ी बड़ा एरिया में ये बाज़ार है, ये डुंडा ही होगा दोस्तों। यहाँ कुछ दिखा है मार्केट के पास, तो को देखते हैं, आपको भी दिखाता हूँ, ये डुंडा से पहले ही दिखा है, रुको देखते हैं क्या है, क्या वादी, ये देखिए वाह यार यूनिक है, यहाँ पर पहाड़ी का एंड है ये। और ये देखिए इस पहाड़ी के एंड में मेरे को भी कुछ दिखा था, यहाँ पे कुत्ता लेटा हुआ है, देखते हैं क्या है ये। स्पेशली मैं इसको देखा, मैंने तब मैं रुका था, ये है क्या चीज़, ये बहुत बड़ी चट्टान है, ये चट्टान की जो गुफा सी दिख रही है कोई, तो मैं आया हूँ ऊपर। यहाँ पे फिर कुत्ते, बकरियाँ भी हैं यहाँ पर, वो आपको दिख रही हैं तो पता नहीं, पर मेरे को दिख रही है वहाँ पत्थर पे लेटी हुई हैं ऊपर। ये क्या है देखें, गुफा महर्षि आश्रम डुंडा उत्तरकाशी, ये किसी गुफा है, महर्षि की गुफा है ये। नीचे टेम्पो खड़ा है, देखिए कितना प्यारा है। और यार यहाँ पर भी फिर कुत्ते लेटे हुए, बहुत सारे कुत्ते हैं यहाँ, तीन कुत्ते दिख गए मेरे को, ये देखिए चौथा कुत्ता। और वहाँ देखिए बकरी के बच्चे हैं, और ये बीच में शिवलिंग है, ये देखो, ये देखिए कितनी सुंदर, कैसे ये भाई बहुत सुंदर है, और कैसे ये किया होगा यार, ये देख रहे हो खड़ी चट्टान है, प्योर पत्थर की चट्टान है, और चट्टान के नीचे ये देखिए एक शिवलिंग है। मैं आगे नहीं जा रहा हूँ क्योंकि एक्चुअली मैंने जूते पहने हुए, कोई तपस्या करता होगा यहाँ पे साधु वाधु। शिवलिंग भोलेनाथ का शिवलिंग है, त्रिशूल है, नाग है और झाड़ू है, पक्का कोई साधु रहता होगा यहाँ पे तपस्या करता होगा। दोस्तों हम पहुंच गए मातली, और मेरे को मातली में स्टॉपेज मारना पड़ा है, आप देख सकते हो बहुत गंदा तूफ़ान आया है, और यहाँ तूफ़ान रोज़ आते ही हैं, तो मैं अब यहाँ रुका हूँ, और यहाँ से हम कल सुबह चलेंगे, क्योंकि ये देख रहे हैं आप क्या हालत हुई है, लैंडस्लाइड भी हो सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, आप अपना ख्याल रखिए, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।